ये बच्चे कड़ी मेहनत करते हुए एनवायरमेंट के लिए। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए फिजिक्स लैब में, हम लोग यहाँ पे लैब में हैं और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। भाई यहाँ रीडिंग हम करी जा रही है और इसके बच्चे काफ़ी। तो भाई हमारी क्लास हो चुकी है ख़त्म और काफ़ी इसमें सर भी दर्द कर रहा है और क्योंकि मेरा चश्मा टूट चुका है, बनवाने के लिए जाएंगे बाहर यहाँ से, पता नहीं कब जाएंगे। और बिना चश्मे के भी घूमना तो इसे थोड़ा सर दर्द कर रहा है। और अब हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था तो मेरा पार्सल आ चुका है। तो हम लोग गेट नंबर 3 पे जा रहे हैं पार्सल लेने। काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था कि कब आएगा और आज आ गया। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं क्या चीज़ है वो और उसकी अनबॉक्सिंग ऐसी वीडियो बनाएंगे, दिखाते हैं हम लोग। चल इसको जो है ना ये हम आ चुके हैं। कार पार्किंग और बस पार्किंग यहाँ पर है, काफ़ी सारी बसें खड़ी हुई हैं। जाएंगे बाहर, पता नहीं जाने देंगे कि नहीं, आईडी कार्ड दिखा के जाएंगे शायद। देर के बाद फाइनली हमें अपना ऑर्डर मिल चुका है और पता नहीं क्यों उन्होंने उसको अनबॉक्स खुद ही हम लोग के सामने कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग हॉस्टल में चल के फिर से दिखाते हैं उसको खोल कर ऑर्डर किया था, कैसा है आप लोग भी बताना। और अभी चलते अपने दोस्त के पास है, वो हम लोग को बुला रही है। तो भाई सबसे ज़्यादा बेकार तो यहाँ के हैं रूल्स। अभी हम लोग 3 नंबर गेट से बाहर आए और 3 नंबर गेट से बाहर है, हमने अपना ऑर्डर लिया और अंदर जा रहे थे तो जाने नहीं दिया। अब हम लोग यहाँ पर रोड पर टहलाते हुए कहा गया कि 1st नंबर गेट से अंदर जाओ। कितना दर्द है ज़िंदगी में, मतलब वहीं से जाने देते तो क्या चला जाता, वहाँ से हमारा हॉस्टल भी पास पड़ता है। तो भाई पहुँच चुके 1 नंबर गेट पर, पारुल यूनिवर्सिटी बड़ा लिखा हुआ दिख रहा होगा। भीड़ भाड़ अभी तो कम है, देखते हैं। यहाँ भी कहो अंदर जाने में कहो आइडेंटिटी कार्ड, ये फलाना ढिमकाना पूछने लगे। अभी देखते हैं, चलो हम लोग अंदर आ चुके हैं और चलो आइडेंटिटी कार्ड कुछ मांगा नहीं, आराम से इज्जत से अंदर आने दिया। और हमारी ये दोस्त मिल चुकी है, देख सकते हैं आप लोग इसको, काफ़ी खुश रहती है लेकिन दर्द इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, दर्द तो इसके जीवन में गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है। हाँ जल्दी मिल जाएगी शायद। कॉलेज लाइफ में अगर गर्लफ्रेंड ना हो तो भाई कुछ मज़ा ही नहीं है। और यहाँ सजावट बहुत ज़्यादा चल रही है। माध्यम सीजन 2 बना तो बढ़िया है। तो हम पहुँच चुके हैं ओल्ड फूड कोर्ट और यहाँ पे हम थोड़ा गर्मी लगे जिससे ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक ली है और फिर चलते हैं अपने हॉस्टल। हम लोग जाते हुए अपने हॉस्टल की तरफ। और कहते नहीं है कभी कभार कुछ भूखे लोगों को कुछ खिला देना चाहिए, तो आज हम लोगों ने इस भूखे प्राणी को कुछ खिला दिया। हम लोग तो बिल्कुल बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। अचानक याद आया कि अभी हमें अपने नवरात्रि का पास लेना है और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और मेरा पास पहले ही रेडी हो चुका है, मैसेज आया था मेरे पास कि MBBS बिल्डिंग के कार पार्किंग की जगह पर है, तो वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे जल्दी। और फिर उसके बाद जाएंगे हॉस्टल। और हॉस्टल में हम पहली बार आए हैं और यहाँ पे है सरोजिनी भवन B, सुना तो था पर आज पहली बार आए। और ये सब गर्ल्स के हॉस्टल हैं। यहाँ तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, मतलब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल धूप ही धूप लगती है, बिल्कुल और कुछ नहीं। भाई ये है MBBS MBBS कार पार्किंग यहाँ पर है और वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से अपना कार कलेक्ट करना है। भाई गाड़ियाँ हम लोग भी ला सकते हैं क्या अंदर, अच्छी लगती है तुझको। तुझको अगर कोई पर्सन प्रपोज करे मतलब लौटना निकल लेंगे हम, गाली देके निकल लेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बुलशिट। अरे तुझे कौन सी बाइक पसंद है? बुलेट बाइक मेरे को नहीं पता, KTM नहीं, छपरी वाली बस। इतना भी वो गंदा चॉइस नहीं है मेरा। मैं एक जानते FZ7 ये कुछ है, ये मां का हां वो वाली चाहिए। अच्छा सही है, इसी लाइन में लग के ले लिया अपना कार्ड। और ये रहा हमारा जोन 2 कार्ड, इसी से हमको एंट्री मिलेगी और करेंगे गरबा। बड़ा हरामी हो बेटा। जा रही, बाय बाय टाटा। और हम लोग भी चलते हैं अपने हॉस्टल। अब कुछ और काम तो बचा नहीं हम लोग करने के लिए। उड़ा देगा क्या भाई, उड़ा देगा, उड़ा ना दे अभी हमको, तो पारू के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। भाई आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने हॉस्टल जा रहे हैं और हमारे हॉस्टल के रास्ते में कुछ नहीं ग्रीनरी, देखो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है बस। और लड़कियों के हॉस्टल से कितनी ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी था कि मतलब मन करता है वहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, गार्डन वगैरह में। यहाँ देख लो कैसी मिट्टी वाली रास्ते, कच्ची रास्ते जाना पड़ता है। और अभी देखना यहाँ से भी जाने से रोक दी, बल्कि क्योंकि ये शॉर्टकट है। वो जो दिख रहा है ना वो हमारा हॉस्टल है, वो जो दिख रहा है बस ऐसे कच्ची रास्ता से धूल खाते खाते हम लोग पहुँचेंगे अभी हॉस्टल। भाई पहुँच चुके हैं हॉस्टल अपने और अब ऊपर चढ़ते हैं, बस चढ़ते हैं। ट्रेन उड़ता हुआ जा रहा है, ऊपर देखिए धूप में आप लोगों को प्लेन दिखा रहे हैं और धूप में हम लोग चल रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों आप लोग। और यहाँ पे नवरात्रि का टाइमिंग चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल जोरों जोरों से तैयारियाँ चल रही है। ट्रेडिशनल नवरात्रि गाय देखो भाई, कहर है भाई। चलो ऊपर चलते हैं। तो कम से कम हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। फोर्थ फिफ्थ या सेवन्थ फ्लोर होता है तो भाई इतने ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ो, हालत टाइट हो जाती। देखते हैं हमारे रूममेट्स क्या कर रहे हैं। देखना अगर दरवाज़ा पहले तो बंद होगा कंफर्म। हाँ देखो दरवाज़ा बंद है कि खुला है, मैंने खुला है आज, नहीं बंद है। बोलो मेरा बंदा तैयार होकर उनको बैठा हुआ है। कल कॉलेज जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं जाएगा। देख लो भाई आप लोग देख सकते हो ये घर में मतलब कमरे में ऐसे तैयार बैठता है, पता नहीं कौन आ जाए। वो ना क्या आया, ये भी बंद है भाई, खोलो। तो भाई गेट खोला, पूरा अंधेरा अंधेरा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। 24 घंटा मोबाइल में बैठे रहते हैं ये लोग, पूरे दिन मोबाइल। ये हमारा पार्सल, हम लोग ये मंगाए थे, चलो इसको निकालते हैं। और ये भाई पूमा के शूज़ मंगाए थे हम लोगों ने, और ये हमारे शूज़ हाई टॉप स्नीकर्स मंगाए थे, देखिए कैसे लग रहे हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं उसको तो। और इसको जल्दी पहन के दिखाऊंगा, पूमा की ब्रांडिंग। दूसरा वाला भी सेम ही करा, चलिए इसको पहन के दिखाते हैं। भाई हमने इस शूज़ को पहना और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसका कंफर्ट वगैरह भी अच्छा लगा। और तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ऐड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपने चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तब तक ले आए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।